नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने के लिए पौराणिक कथाओं से बहुत ही मार्मिक कथाएं खोजकर आपके सामने लेकर आता है। इसी क्रम में आज जागो पंच ने आपके लिए बड़ी ही उत्कृष्ट पुस्तक जिसका नाम है विदेशी आर्य और उनका मांस भक्षण, इस सीरीज को आपके सामने लेकर आया है कि पीछे वैदिक काल में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या इसके बाद भी कब कब कैसे मांस भक्षण किया जाता था, मांस खाया जाता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा है। तो साथियों, आज की ये जो पुस्तक है विदेशी आर्य और उनका मांस भक्षण, इसके लेखक हैं सुमेध जग्रवाल जी और आप डिप्लोमा एंड डिग्री इन केमिकल इंजीनियर एमए एलएलबी पीजीडी डिग्री धारक हैं। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं कि आपने इस पुस्तक को लिखने के लिए, जब आप साइंटिफिक व्यक्ति हैं, साइंस के व्यक्ति हैं, साइंस के स्कॉलर हैं, तो आप सभी ये समझ गए होंगे कि हमारे ये जो पुस्तक आने वाली है, जो पुस्तक आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये पुस्तक आपको ये सिद्ध कर देगी कि कैसे जो आज गाय के भक्त हैं, गाय के पुजारी हैं, यह कैसे पहले मांस भक्षण के पूर्वज किया करते थे। तो साथियों, गाय कैसे माता बन गई, जिसे पहले भक्षण किया जाता था, वह माता कैसे बन गई, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज आप देखेंगे कि रामायण काल में मांस भक्षण का किस प्रकार किया जाता था। तो आइए, सब जो लेखक का विनम्र अनुरोध है वह भी मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, क्योंकि जो लोग हैं हमारे समाज में, वह भावनाएं, उनकी भावनाओं को बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है, इसलिए उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए हम उन चीजों को यथावत प्रस्तुत करेंगे जो हमारी पौराणिक कथाओं में है। तो लेखक कह रहे हैं, विदेशी आर्य और उनका मांस भक्षण पुस्तक किसी भी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रकाशित नहीं की गई है। इस पुस्तक के प्रकाशन का तात्पर्य भारतीय लोगों को कुछ लोगों के पाखंडों से रूबरू कराना है, जिसका खुलासा तथ्यों के आधार पर किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये बात तथ्यों के आधार पर सत्य नहीं है और उसके विरुद्ध उनके द्वारा तथ्य प्रकट किए जाते हैं, तो लेखनी के उस भाग को प्रमाण के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाएगा और किया जा सकता है। सभी आर्यवंशज भारतीय लोगों को इस आधार पर नीच और अछूत बताते हैं कि वे लोग मरे जानवरों का मांस खाते थे। मांस चाहे जानवरों को मारकर खाया जाए या मरे का खाया जाए, आखिर खाया तो मरने के बाद ही जाता है। विदेशी आर्य स्वयं मांस खाते थे और भारतीय लोग भी मांस खाते थे, लेकिन विदेशी आर्य ऊंचे और भारतीय लोग नीचे शूद्र क्यों कहलाए, इसका मुख्य कारण शिक्षा और विदेशी लोगों का पाखंड रहा। विदेशी आर्यों ने भारतीय लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया, फिर काल्पनिक भगवानों की रचना करके आर्य लोग भारतीय लोगों के पूजनीय बन गए और भारतीय लोगों को शूद्र और अछूत घोषित कर दिया। ब्राह्मणों द्वारा गाय हत्या को रोकने के लिए महावीर स्वामी, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक जैसे महान समाज सुधारकों ने, लेकिन इन लोगों ने गाय हत्या को बंद नहीं किया। गाय हत्या को बंद कराने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था, इसलिए इन लोगों ने इन महापुरुषों की बात को कोई तवज्जो नहीं दी। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और उस पुस्तक में राक्षसों को मांसभक्षी, देवताओं को शाकाहारी बताया, तब इन ब्राह्मणों ने गाय हत्या को छोड़ा था और सभी भारतीयों को मांसभक्षी घोषित कर दिया था, जबकि गाय का मांस भक्षक सदियों से ब्राह्मण ही रहा है। आज भी इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए इन लोगों के शादी विवाहों के समय आटे की एक गाय बनाई जाती है और उसको काटकर विवाह को शुभ बनाया जाता है। तो साथियों, ये बड़ी ही जो घटना है, बड़ी ही मार्मिक घटना है और यह आज भी पाया जाता है। लेखक के ये विचार का मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा हमारे समाज में है। ब्राह्मणों ने भारतीय लोगों के बीच उन्हीं बातों का प्रचार किया जो उनको पूजनीय बनाती है। आज इन लोगों ने भारतीय समाज को वे बातें उजागर नहीं की जो
उनको देशद्रोही और हत्यारा साबित करती हैं। इनके जितने भी भगवान हुए हैं वे सभी अवैध संतान, बलात्कारी, आतंकी, मांसाहारी और शराबी रहे हैं, जिन्होंने हवनों और यज्ञों के नाम से भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं और समस्त भारतीय नारी का आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था तथा उसके भगवानों के कारण शोषण और बलात्कार हो रहा है। भारतीय लोगों को जातियों और धर्मों में विभाजित करके उनका शोषण कर रहे हैं और 18वीं शताब्दी में ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म में बदलकर भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो लोग पूर्व में शूद्र बोले जाते थे उन लोगों को उन्होंने हिंदू बोलना आरंभ कर दिया, लेकिन ये लोग आज भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते, वे अपने आप को ब्राह्मण और पंडित बोलते हैं। धन्यवाद सुमेध जगरवाल। यानी कि जो उन्होंने विनम्र अनुरोध किया है आपसे, उस विनम्र अनुरोध को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया और आप सभी वीडियो के उन अंशों को और पुस्तक के उन अंशों को समझने का प्रयास करिए कि लेखक ने भी यहां पर अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है, जो उन्हें पौराणिक पुस्तकों में मिला उसका यथावत उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे वेदों में गौ मांस भक्षण, यानी वेदों में गौ मांस कैसे खाया जाता था यह आज आपको पता चलेगा। तो कहां से शुरू करते हैं हम, वेदों में गौ मांस भक्षण। आर्य संस्कृति के लोग भारतीय मूल निवासियों से इसलिए घृणा करते थे कि वे मरे जानवरों को मांस खाते थे, लेकिन वेदों में हकीकत कुछ और ही बयां होती है। वेदों में यह प्रतीत होता है कि मांस खाने वाले लोग ही आर्य संस्कृति के लोग कहलाते थे और जो लोग मांस भक्षण करते थे वे अधिक आदरणीय एवं पूजनीय होते थे। वैदिक काल में कोई भी धार्मिक संस्कार बिना मांस के नहीं होता था और बड़े बड़े संस्कारों पर तो गौ मांस के मधुपर्क से पूजन अनिवार्य था। भारतीय मूल निवासियों पर विदेशी आर्यों ने नियम प्रतिपादित किए थे जिनके कारण बिना मेहनत किए उनका पेट भरता था। प्राचीन काल में जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी वह उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान गायों के आधार पर ही होता था। आर्यों ने यज्ञों के नाम पर ऐसा अंधविश्वास फैलाया कि जो लोग गौसव यज्ञ में गाय के मांस से पितरों की पूजा करें तो पितर एक वर्ष तक तृप्त रहे। यह कथन गोमिल गृह सूत्र 3.1.16 तथा आपस्तंभ धर्म सूत्र 2.7.6.5 में प्रमाणित है। इस प्रकार के 7 प्रकार के यज्ञ और थे जिनमें अलग अलग पशुओं की बलि अलग अलग देवताओं को दी जाती थी। जिस बलि के संपूर्ण मांस का भक्षण आर्य लोगों द्वारा किया जाता था, जब भारतीय मूल वासियों द्वारा ऐसे जघन हत्या से भरे यज्ञों का विरोध किया जाता था तो आर्य लोग भारतीय लोगों को धर्म विरोधी बताकर उनकी हत्या कर देते थे। इस प्रकार आर्यों ने रावण सहित असंख्य भारतीयों का नरसंहार किया। ऋग्वेद विदेशी संस्कृति विदेशी आर्य संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिससे प्रमाणित है कि सतयुग काल में आर्य लोग गाय और बैल का मांस भक्षण करते थे। कैसे? उक्षणो ही मे पंचदशम शाकम पंचति विष्टिम उताह मदिम पीव इदुभा कुक्षी प्रांति मे विश्वंस मंदिन। अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 86 मंत्र 14 से विदित है कि इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता मेरे लिए 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूं। वे मेरी कुक्षियों को सोम अर्थात शराब से भी भरते हैं। ब्राह्मणी भगवान स्वयं इंद्र कह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे खाने पीने में मांस और शराब की व्यवस्था करती है। मेरी पत्नी के अधीन कार्य करने वाले यज्ञकर्ता प्रतिदिन 10-20 बैलों को काट कर पकाते हैं। मैं उनके मांस को खाकर मोटा होता हूँ। मेरी पत्नी मुझे मांस के साथ साथ शराब की भी व्यवस्था करती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि गाय और उसके बछड़े हमारे लिए पूजनीय होते थे, क्योंकि भारतीय लोगों की खेती इन्हीं पर निर्भर थी। ये मांसाहारी इंद्र एक दिन में 20-20 बैलों की हत्या करवा देता था। क्या हम ऐसे व्यक्ति को भगवान कह सकते हैं? ऐसे मनुष्य नीच और पापी से भी बदतर होते हैं जो
और ब्राह्मणों ने ऐसे नीच और पापी लोगों को भारतीय लोगों के सामने भगवान के रूप में परोस दिया और भारतीय लोग ऐसे नीच और पापी लोगों को भगवान के रूप में पूजकर स्वयं भी पाप के भागीदार बनकर पाप के मार्ग की ओर अग्रसर हैं। मित्र कुओ यक्षसने ना गवाह पृथिव्या अपृग मया मृया संयते, अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 89 मंत्र 14 से विदित है कि हे इंद्र, जैसे गौ वध के स्थान पर गायें काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मित्र द्वेषी राक्षस कटकर सदैव के लिए सो जाएं। यानी ब्राह्मणों ने उस समय पूरे देश में गाय वध के स्थान बना रखे थे। उन गौशालाओं में गाय हमेशा ब्राह्मणों के भोजन दान के लिए रखी जाती थी। गायों के बछड़े भी बड़ी तादाद में रखे जाते थे। जब उस स्थान पर ब्राह्मण भोजन के लिए कोई हवन किया जाता था तो देश भर के सभी ब्राह्मणों के लिए राजा की तरफ से वह भोज होता था। उस भोज के लिए आसपास की जनता से गाय और बछड़े दान के रूप में लिए जाते थे और जो नहीं देता था उससे जबरदस्ती छीने जाते थे। इस प्रकार ब्राह्मण भोज के लिए भारतीय लोगों का पशुधन हजारों की संख्या में गौवध स्थान पर ब्राह्मणों वधिक द्वारा काटा जाता था। भारतीय राजा पशुधन के इस खूनी खेल का विरोध करते थे। तो आर्य लोग भारतीय लोगों को गायों के रक्षक के रूप में इनको प्रचारित करते थे और धीरे धीरे भारतीय लोगों को आर्य लोग राक्षस के रूप में बोलने लगे थे। ये भारतीय पशु रक्षक इन आर्यों के हत्यारे हवनों और यज्ञशालाओं में आग लगा देते थे तो ब्राह्मणों को बिना भोजन के भूखे ही लौटना पड़ता था। तो आर्य लोग भारतीय लोगों को गाली देते हुए जाते थे, जिस प्रकार गौवधशाला में गाय काटी जाती है उसी प्रकार से हे इंद्र, इन भारतीय पशु रक्षकों को तुम अपने शस्त्र से काटकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति है। आर्य लोग इंद्र को तथाकथित खुश करने के लिए हवन कुंडों में जानवरों का मांस पकाकर इंद्र की पूजा की जाती थी। जैसे अद्रिनाते मंदिने इंद्र त्रियंबतु सुम्बति सोमान पिवसित्व मेशाम पचंति ते वशमाम अस्ति तेषाम प्रक्षेण यन्मध्वन हूयमानः, अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 28 के श्लोक 3 से स्पष्ट है कि हे इंद्र, अन्न की कामना से तुम्हारे लिए जिस समय हवन किया जाता है उस समय यजमान पत्थर के टुकड़ों पर शीघ्र सोमरस तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं और उसे तुम खाते हो। आर्य लोगों ने उस समय इंद्र को मांस भक्षक बनाकर रखा था। इंद्र के नाम पर उस समय बड़े बड़े हवन यज्ञ किए जाते थे। इंद्र के नाम पर हवनों में उस समय बड़ी बड़ी हवी दी जाती थी। ये हवी जो थी आर्यों का इंद्र के नाम पर निठल्ले बनकर और भारतीय लोगों को इंद्र भगवान के नाम पर भ्रमित करके अपने पेट भरने का मूल मंत्र था। इसी मंत्र के सहारे भारतीय अशिक्षित लोगों को मूर्ख बनाकर अपना पेट भरते थे। उस समय अनाज होते नहीं थे, लोग मांस से ही अपना पेट भरते थे। भारतीय लोग छोटे छोटे जानवरों का मांस खाते थे, वे गाय और बछड़े का मांस नहीं खा सकते थे क्योंकि वह उनके कृषि में उपयोग होने वाली चीज़ें थी। यानी किसी के घर में, किसान के घर में उस समय बछड़ा पैदा होता था तो वो समझते थे कि उनके घर में बेटा पैदा हुआ है। तो गाय गोवंश से भारतीय लोगों का मांस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये आतताई बाहर से आए और यहाँ के लोगों के जो कृषि के संसाधन थे उसको उन्होंने अपना भोजन बना लिया। ब्राह्मणों ने गाय और बछड़े के मांस को खाने की इजाज़त सिर्फ हवन के माध्यम से दी हुई थी। जब कोई हवन यज्ञ होता था उस दौरान सर्वप्रथम ब्राह्मणी भोजन होता था और उसके साथ साथ मांस को पचाने के लिए शराब का दौर चलता था। जब आर्य लोग शराब और मांस से टुन हो जाते थे तब अयासी का खेल चलता था। जो आर्य जिस महिला को चाहता था उस महिला से यज्ञ स्थल पर उसके साथ अयासी करता था। इस कार्य के लिए उस राजा को औरतों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि राजा उनकी अयासी के लिए महिलाओं की व्यवस्था नहीं कर पाता तो वह यज्ञ महिलाओं के अभाव में संपन्न नहीं होता था। ब्राह्मणी भोजन होने के बाद हड्डी और जो पानी बचता था उसको अन्य लोग खाते थे। कहिम स्थित सात इंद्र चैतस्य दघद दध्य यदि मंदो रक्ष एशत
मित्र कुरुओ या छे शने माँ गाव पृथिव्या आपृग मुयो शयनते। अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 80 श्लोक 14 से स्पष्ट है कि हे इंद्र, तुमने जिस अस्त्र और बाण को फेंक कर पापी राक्षस को काटा वह कहाँ फेंकने योग्य है। जैसे गौ बध के स्थान पर गायें काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से आहत होकर मित्र द्वेषी राक्षस पृथ्वी पर गिरकर सदैव के लिए सो जाते हैं। विदेशी आर्यों के हवन यज्ञों का जब भारतीय रक्षक लोग विध्वंस करते थे तो आर्य लोग इंद्र से प्रार्थना करते थे, हे इंद्र, भारतीय रक्षक लोग हमारे भोजन को हमारे खाने से वर्जित कर रहे हैं, हे इंद्र, इन सभी भारतीय रक्षकों को मारकर हमेशा के लिए समाप्त कर दो, जिससे हम इस देश में सुखपूर्वक रह सकें और सुखपूर्वक अपने स्तुति कर सकें। इस प्रकार विदेशी आर्य लोग भारतीय लोगों को कोसते थे और अपने भगवान इंद्र से उनको मारने की कामना करते थे। साथियों, आप सभी इस कहानी का आनंद ले रहे हैं और कहानी बहुत ही मज़ेदार है और बड़ी ही हतप्रभ कर देने वाली है कि जो हमें आज बड़ा ही पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है उसका भूतकाल कैसा था। ये ग्रंथ ये अचानक हटा नहीं पाए और ये ग्रंथ समाज में रह गए, जिससे इनकी ये पुल खुल रही है। तो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि आर्य तो भारतीय हैं, यदि आर्य भारतीय होते तो इस प्रकार भारतीय लोगों के मारने की कामना अपने भगवान इंद्र से करते। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि राक्षस लोग देवताओं के यज्ञों को नष्ट कर देते थे, इसलिए देवता राक्षसों का संहार करते थे। लेकिन ये मूर्ख आधी अधूरी बात बताकर स्वयं को पूजनीय बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग ये नहीं बताते कि उन हवन यज्ञों में हजारों निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है, इसलिए भारतीय लोग ऐसे हवन यज्ञों को अग्निसात कर देते थे। इस प्रकार आर्य और उनके संतानें आज तक भगवानों के नाम पर देश के लोगों को मूर्ख बनाकर देश के हुक्मरान बने हुए हैं और पूरे देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। साथियों, आप सभी को बड़ी मजा आ रही होगी इन पुस्तक के अंशों को पढ़कर। वाकई ही ये बड़ी मज़ेदार ही पुस्तक है। और क्या अगर आपको ये पुस्तक का ऑर्डर भी अगर करना होगा तो आप सभी संपर्क करिएगा, ये पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी। गौ वध को भारतीय मूल निवासियों द्वारा रोका जाता था तो आर्य लोग उनको मित्र द्वेषी राक्षस अर्थात धर्म विरोधी बताकर उनका वध राजा से करवा देते थे या नीच और अछूत घोषित कर देते थे, जिसके भारतीय समाज में एक भय कायम रहे, जिससे समाज में उनके विरुद्ध कोई आवाज ना उठा सके। इस प्रकार ब्राह्मणों के पेट के स्वाद के कारण भारतीय समाज में विघटन चालू हुआ और इस विघटन के कारण हमारा भारत देश खंड खंड हो गया। अपने देश को 2000 वर्ष की गुलामी से गुजरना पड़ा, जिसके दोषी सिर्फ ब्राह्मणवादी लोग हैं। ऐसे पाखंडी लोगों ने करोड़ों पशुओं का मांस खाया और करोड़ों गौओं की हत्या करके अब गाय के संरक्षण का पाखंड रच रहे हैं, जो कि भारतीय समाज में अपने को आपको ऊंचा बनाए रखने का सिर्फ एक पाखंड है। इसी पाखंड के कारण ऐसे लोग, ऐसे देवी देवता, ऐसे भगवान और अश्लील ग्रंथ आज भी पूजनीय हैं। जो लोग इनकी पूजा करते हैं उन लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे हत्यारे मनुष्यों और भगवानों के स्थान पर किसी भिखारी की पूजा करने से महान पुण्य मिलेगा। ऋग्वेद में बहिला गाय को हवन के लिए काटने का विधान है। जैसे ये संस्कृत का श्लोक मैं स्लिप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, मैं इसके अर्थ को बताता हूँ, बाकी आपको यहाँ पर श्लोक दिखाई दे रहा है। अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 91 श्लोक 14 से स्पष्ट है कि जिसमें अश्व, वृषभ, उक्षा, बहिला गाय, भेड़ इत्यादि हवन किए गए हैं, उसमें विधाता अग्नि के लिए रस पाई सोम छिड़के, मैं हृदय से उनकी सुंदर स्तुति करता हूँ। जब जानवरों को हवन कुंड में भूना जाता था तब हवनकर्ता ब्राह्मण अपने भगवान इंद्र की स्तुति करता था कि हे इंद्रदेव, इस हवन कुंड में थोड़ा सा सोमरस वर्षा कर दो, जिससे हवन कुंड की आग प्रकट हो जाए, जल्दी जल्दी हवन कुंड का जानवर भूनकर हमारे खाने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार ब्राह्मण अपने भोजन को जल्दी से जल्दी पकाने के लिए इंद्र से प्रार्थना करता था। तो साथियों, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको केवल आज वेदों में जो
वेदों में मांस भक्षण का जो शीर्षक है इसको मैं दो भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यह रुचिकर नहीं रहेगा, तो मैं इसे यहीं पर रोकूंगा। और आप सभी से एक आग्रह करूंगा कि आप सभी यदि मनुवाद और ब्राह्मणवाद का अंत चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जिन्हें लगता है लेखक ने यह कहा है, लेखक के विचार है इसमें, जिसने भी कहा है कि इस पुस्तक में उनकी भावना कहीं से आहत होती है तो वह परिवर्तित करने योग्य है, वह अपनी पुस्तक में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तब तक, और लेखक तक संपर्क नहीं करेंगे तब तक यह परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा साथ ही इसे शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे इस जागो पंच के कितने चाहने वाले हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, और अगले वीडियो वेदों में मांस भक्षण का दूसरा भाग आपको अगले सीरीज में मिल जाएगा। और एक अपेक्षा आपसे कि आप सभी जागो पंच को मजबूत बनाए के रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जागो पंच का साथ देंगे। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।